मौसम ने भी आज ना पंगा डाल दिया रेली का। तुम ये स्कूल में ये 12th क्लास के बच्चे थे, इन्होंने इनको अपने हाउस में रात को बुलाया था चले सी मी, तो ये 11th के मेरे बेटे वगैरह और बच्चे जो है वो इनके वहाँ पे डोम में वगैरह गए, तो उन्होंने अंदर बुलाया। अंदर बुलाते ही उनको यानी कि ठुड्डे वगैरह मारे पैरों से, डाउन नीचे गिराया, 20 मिनट तक मारते रहे। इन्होंने अपने हाथ मुंह पे रख लिए, ठीक है जी, और उन्होंने बेल्ट वगैरह और रॉड्स और ये तोलिए गीले करके उनकी पीठ पे मारे और खूब ठुड्डे मारे और पुश यानी कि मुक्के वगैरह भी मारे बच्चों को, ठीक है जी, और बहुत ज्यादा नाक पे भी मारा मुक्के वगैरह, और साथ में एक तरफ के हाथ पकड़ के दूसरी तरफ से कान पे मारा, इसलिए दोनों कानों के पर्दे फटके हुए थे। सर कहा जा रहा है कि स्कूल की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी इस मामले के ऊपर में, जब लीकआउट हुई जब फैमिली? देखो जी, हमने भी स्कूल वालों से कहा था कि हाँ भी ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं दी, हमारे को किसी और पेरेंट्स से पता चला है बुधवार को, मगर वो असल में अपनी कमेटी वगैरह बिठाने में ये वो यानी कि अपना पूरा प्रोसेस करके कि हाँ भी उन्होंने क्या डिसीजन लेना है, बच्चों को बाहर निकालना है स्कूल से यानी कि चेकआउट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस करके उनको टाइम लगे, इसलिए उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये स्कूल की तरफ से भी ये कॉन्फ्रेंट की भी है जो बच्चों की फैमिली नहीं, स्कूल की वजह से, स्कूल की वजह से कोई पूरी सेटिस्फाइड है, स्कूल का कोई कसूर नहीं है, जो हेडमास्टर है उन्होंने ये डिसीजन लिया है हमारी तरफ से बहुत सफिशियंट है। ये नहीं है कि ये डिसीजन ले लिया अगर बच्चे बाहर निकाल दिए तो मेरे बच्चा ठीक हो गया, वो नहीं बात, मगर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया यही बहुत है, इस कारण हम जो भी है कोई भी आगे कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। मैम माता पिता की एक स्कूल की तरफ से काफी उम्मीदें होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपको क्या महसूस होता है? महसूस तो होता है कि शायद हमारे से गलती हो गई, लेकिन फिर भी हम स्कूल के डिसीजन से बहुत खुश हैं कि उन्होंने जो बच्चों को जितनी पनिशमेंट की जरूरत थी वो दे दी है। आपके बच्चे भी कहाँ चोटें लगी? उसके दोनों कान के पर्दे फट गए हैं और उसके पूरी बैक में उसको डंडे रॉड्स और टॉवल से मार के पूरे इंजर्ड है वो। अभी आपकी तरफ से कोई स्कूल के लिए कोई शर्त रखी गई है कि आगे से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम? नहीं, हमने कोई शर्त नहीं रखी है, प्रिंसिपल ने स्कूल ने यही बोला है कि वो उन बच्चों को वापस नहीं लेंगे, इसीलिए हम 12 बच्चा वहाँ जाने जाएगा और कोई बच्चा उसके हाथ नहीं लगाएगा आगे से कोई भी यानी कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा दोबारा आने वाला। अगर ऐसी कोई घटना घटती है ऐसा कोई स्कूल ने आपसे प्रॉमिस किया है? नहीं, प्रॉमिस है सच कुछ नहीं किया, बस यही प्रॉमिस किया है कि 5 साल तक ये बच्चे स्कूल के आसपास बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। प्लीज मान ले, हम वैसे ही बड़े परेशान आ गए हैं, टेंशन में है, इसलिए प्लीज जो आते